वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब लोगों ने मुझे मिस किया। वैसे मैं काफी दिनों बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। मे बी मैंने 4-5 डेज की छुट्टी कह सकती हूँ वो ले रखी थी, और उसके बाद व्लॉगिंग आज से दोबारा स्टार्ट हो रही है, और डेली व्लॉगिंग करने की मेरी पूरी पूरी कोशिश होगी। तो आज सुबह की शुरुआत हो चुकी है हमारे नॉर्मल ब्रेकफास्ट के साथ। यार अब ठीक है कैमरा। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी थी, नॉर्मल ब्रेकफास्ट हमने खाया। वैसे तो मैं घर गई थी तो घर से भी सामान लेकर आई थी, तो उसी के साथ ही हमने अपना ब्रेकफास्ट किया है। और अब ना गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं। पहले जब थोड़ा मतलब ठंडा वाला मौसम था ना, तो क्या होता था ना कि दिन छोटा था तो गुजर जाता था, पता ही नहीं लगता था सुबह और रात में। तो दोपहर को कुछ खाना नहीं, या ऐसा होना कि अगर बाहर जा रहे हैं तो कुछ बाहर से ले आना। वैसे ज्यादातर तो ऐसा होता था हम खाते ही नहीं थे, सिर्फ सुबह या शाम खा लेना या बीच में स्नैक्स वगैरह कुछ खा लेना। बट अब हमने स्टार्ट किया है आज से। स्टार्ट नहीं किया, आज से स्टार्ट करूंगी मैं दोपहर के दाल चावल। आपको पता है कि वो कितना हेल्दी होता है, और मैंने अपनी वेट गेन जर्नी जो है वो भी स्टार्ट करनी है दोबारा से, क्योंकि यार मैंने मतलब इतनी कोशिश की। कहते हैं सर्दियों में वेट गेन बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है, पर मेरे ख्याल से पता नहीं मेरा क्यों नहीं हुआ। मुझे नहीं समझ में आ रहा, सिर्फ मेरा 1 kg ही गेन हुआ है। 1 kg गेन हुआ है, तो कोई बात नहीं, ठीक है हम फिर से दोबारा स्टार्ट करते हैं, दोबारा से वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ ना यार, जब हम घर जाते हैं ना, घर जाने से पहले होता है कि घर जाना घर जाना घर जाना, जब घर से आ जाते हैं तो मन हमारा वहीं रह जाता है, और उसके बाद बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है यहाँ मेरा। अभी 1-2 दिन में लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये हमेशा से है सीन। मतलब 2-3 साल हो गया मुझे घर से बाहर रहते हुए, पर 2-3 सालों में भी मेरे साथ ऐसा ही है कि मैं जितनी बार भी घर जाती हूँ मेरा वापस आने का दिल नहीं करता। तो चलिए थोड़ा मन को लगाते हैं, समझाते हैं और कुछ बनाते हैं। बनाने के लिए मैंने दाल चावल सोचा हुआ है, तो दाल चावल ही बनाएंगे हम एज रूटीन फॉलो करते हुए, हेल्दी रूटीन फॉलो करते हुए। तो चावल तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कुकर में ही जाएगा। वैसे मैंने एक चीज नोटिस की है यार, यहाँ मतलब विंडो के पास काफी सही सनलाइट आ रही है, और जिसके लाइटिंग की जरूरत नहीं पड़ रही मुझे। सही है, यही यही खड़े होके सारा व्लॉग बनाऊंगी। सारा व्लॉग मैं यही खड़े होके बनाऊंगी। चलो पहले तो मैं दाल चढ़ा दूं। मैं आपको अपनी किचन दिखाती हूँ, इस टाइम का सीन क्या है। ये है धुले हुए बर्तन, ये है थोड़े से ग्रेप्स, और ये भी इसके अंदर भी रखे हुए हैं। ये ना मैंने साथ साथ खाते जाना है, ठीक बीच में मैंने कोई भी मील स्किप नहीं करनी है, और एक्स्ट्रा ही कैलोरीज गेन करनी है। और हमारी किचन कैमरा सेट नहीं होता यार मेरे से, एक तो हाँ अब हो गया। पहले पानी 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 पानी, और ये सामान आपने देखा ही है, ठीक है इसकी इसको इग्नोर ही करना। ये सामान आपको देख, ये चीज़ ना दिखाने के लिए नहीं है, ये सामान ये मुझे मेरे हाथ में ना फिसलन हुई पड़ी है कुछ, इस वजह से सारी चीज़ें गिरती हुई दिख रही है। इसमें दाल में ना मैं वो डाल देती हूँ, थोड़ा सा नमक, नमक से ना जल्दी बॉयल हो जाती है। एक स्पून ठीक होगा, साथ में थोड़ी सी हल्दी। वैसे तो मैंने सारा तड़के में अभी डालना है, बट ये है कि थोड़े से जो बॉईल करने वाली दाल है ना उसमें भी चला जाता है तो सही हो जाता है, जैसे मतलब मसाले मिक्स हो जाते हैं दाल के अंदर ही। तो एक गिलास हम इसमें निकालेंगे चावल, पूरा एक गिलास। इसे अब धुलना है। ये ना हमने लास्ट टाइम जो छोटे वाले चावल, मतलब जो छोटे वाले चावल थे उन्हें, और ये जो बड़े वाले चावल है इन्हें मिक्स कर दिए हैं। ये किन्निया भी है और वो भी है, दूसरे वाले भी, अगर आपको पता चले दिख रहा हो इसमें। मैं दिखाती हूँ, रुको कैमरे की बैक साइड से दिखाती हूँ।
देख रहे हो, ये है किन्नियों वाले चावल, छोटे छोटे वाले, और ये है दूसरे वाले चावल। दोनों को मिक्स किया था पर मिक्स हुए नहीं है यार अच्छे से। रखते हैं इस साइड, और ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर हम करते हैं कटिंग। किस चीज की कटिंग? तड़का, तड़का। ये रहा हमारा, और अभी इसे छीलते हैं पहले तो हम। तो तड़का हमारा कट गया, इसमें कुछ कमी लग रही है। मिर्ची, मिर्ची नहीं है, मिर्ची हमने डाली भी नहीं। मिर्ची लेते हैं। ये यहाँ है, इसमें 3 बहुत होंगी। तो हमारी दाल होप सो कि बॉयल हो चुकी होगी। उठा कर रखते हैं इसे दूसरी साइड। और आज मैं कढ़ाई में नहीं, आज मैं पतीले में तड़का लगाने वाली हूँ यार। इसी पतीले मैंने चावल को धुले थे, ठीक है, ये जल गया था, तो बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद भी ये साफ नहीं हुआ, तो इसी में मैं बनाऊंगी, मतलब तड़का लगाऊंगी यार। चलिए स्टार्ट करते हैं, और कैमरे को पहले करते हैं सेट। यस, हो गया है सेट, ये जुगाड़ के साथ। तो करें इसे ऑन। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तानी सीरियल देख रही थी ना कुछ टाइम पहले, तो वैसे ही बातें आ रही हैं कि ये हो गया है स्टार्ट, अब हम करते हैं। और चावल भी बन गए, और ये चावल भी बन ही गए थे। इसको रख देते हैं, और इसमें डालते हैं सबसे पहले हम तेल। कहाँ है तेल? आज हम इसका उद्घाटन करेंगे, क्योंकि आज ये नया, नहीं नहीं नहीं, नहीं यार, ये है, ये है, ये वाला है, ये वाला यूज करेंगे हम। इसे रख देते हैं ऐसे। उद्घाटन का दिन आज ना रहा। तेज पत्ता, तो थोड़ा सा पतीला गर्म हो चुका है, इसमें डालते हैं थोड़ा सा तेल। और मैं इतनी पूरी प्याज के तड़का नहीं लगाने वाली यार, आप भी डर गए होंगे कि 2 पर्सन के लिए मैंने 2 प्याज काट ली। इसमें से थोड़ी प्याज जाएगी इसके अंदर, और थोड़ी जाएगी सैलेड के रूप में। नहीं, रख देती हूँ, इतनी जाएगी सैलेड में। अब इसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे तेज पत्ता। तेज पत्ता धुल लेते हैं। गरम नहीं हुआ है अभी ये। साथ इसी के साथ ही जुगाड़ किया जाए, पर अब पारी आती है हमारे प्याज।
और थोड़ा सा ये भुन भुन के इस कलर का हो गया है। हाँ, एक टमाटर भी बीच में मेरा। इसे अब ऐसे रख देते हैं। पहले इसे भी तो यार ओपन करना है, अभी सीटी आ रही है इसकी, तो स्टीम होने देते हैं, इस पे ध्यान देते हैं अभी हम। के बाद सारे के सारे मसाले ऐड कर देने हैं और सबको अच्छे से भून लेना है। अब वक्त आ गया है इसे टेस्ट करने का, पर यार खट्टा नहीं बनाया था तो साथ में मैंने सोचा कि अचार ही ले लिया जाए, तो ये आम का अचार मैं साथ में ले रही हूँ। और बिना खट्टे के तो वैसे आदत नहीं है, बट चलो आज इसी के साथ गुजारा कर लेते हैं। और अब बारी आती है हमारे जो अपने कोमल हाथों से मैंने बनाए हैं उसे टेस्ट करने की, हमारे दाल चावलों को। और इसके बारे में मैं बताऊँ तो बहुत ही यमी टेस्टी हेल्दी बना था यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।